अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद ब्लॉग। नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाता हूँ जी खूबसूरत मनाजर इस्लामाबाद के। मॉर्निंग वॉक पे निकला तो बाहर जब मैंने मौसम देखा, बहुत ही ज़बरदस्त घने बादल चारों तरफ, सुरमई बादल और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें। इसके अलावा मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार। नाज़रीन, सड़कें भीगी हुई हैं, अभी थोड़ी देर पहले बारिश जो है वो थम चुकी है और थोड़ा सा हम लेट हो गए। 5 बजे निकलना चाहिए था लेकिन बारिश की वजह से रुकना पड़ गया। तो चलें F9 पार्क की तरफ चलते हैं आज। जी नाज़रीन, ये है जी राउंड अबाउट। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम तो F9 पार्क आ जाएगा। ये देखें सामने सुरमई बादल, खूबसूरत। ये रास्ता जा रहा है जी सीधा ब्लू एरिया। फातिमा जिना पार्क हम पहुंच चुके हैं जी। ये है जी बोलान गेट। अब यहाँ से हम दाखिल होंगे। नाज़रीन, मौसम में बहार, लेकिन अभी जो घास है फ़िलहाल उस तरह ग्रीन नहीं हुआ जिस तरह के जून जुलाई में होता है। ये सामने बादल देखें और आफ्ताब तो तुलू हो चुका, इन बादलों की ओट फ़िलहाल वो छुपा हुआ है। तो चलें जी सैर करते हैं जी, आगे चलते हैं। ये है जी खूबसूरत मंज़र आसमान का। यहाँ से जॉगिंग स्टार्ट होती है जी 0 किलोमीटर। चलते हैं जी, थोड़ी देर घूमते फिरते हैं, जॉगिंग तो नहीं फ़िलहाल वॉक करेंगे। नाज़रीन, ये है जी वाइल्ड फ्लावर। ये आपको इस्लामाबाद के ग्रीन एरियाज़ में यानी ग्रीन बेल्ट के दाएं बाएं बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ये देखें पर्पल कलर के होते हैं ये देखें, जिस तरफ आपकी निगाह चाहेगी आपको ये दिखाई देंगे। ये है जी मार्गला हिल्स। बेसिकली ये कोहे हिमालया का ही सिलसिला है लेकिन इस्लामाबाद में इसको मार्गला हिल्स कहा जाता है। तो जो खित्ता पोठोहार है ये सारे का सारा जो है वो हिमालया का, जो कह लें कि फुट हैं, फुट हिल्स कहते हैं इसको हिमालया का। ये दरख्त बहुत खूबसूरत फूलों से लदा हुआ है जी, काफ़ी सारे हैं इधर दरख्त, पर्पल कलर के फूल हैं ये देखें। ये सारा पार्क जो है वो माशाल्लाह इन दरख्तों से भरा हुआ है। न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। बेशक जी बिल्कुल, ये कायनात ये जहाँ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। इंतहाई खूबसूरत तख्लीक मेरे परवरदिगार की।
ये सामने है जी फैसल मस्जिद, और इसी तरह अगर हम इस तरफ देखते हैं, राइट की तरफ मुड़ते हैं हम लोग, तो ये सामने सेंटोरस, और उसके बाद ये आसमान, खूबसूरत बादल, कोयल की बहुत ही मधुर आवाज़, एवरीथिंग इज सुपर अमेजिंग। सूरज की किरणें बादलों से छन छन करती हुई नीचे आ रही हैं। ये देखें जी, ये नीचे खूबसूरत दरख्त, छोटा सा जंगल। यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग चलते हैं जी थोड़ा सा आगे, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहाँ पहुँच के ये चीज़ दिखाई दी, ये देखें, ये इतने अकलमंद लोग हैं कि अपना गंद इधर ही रख के चले गए हैं। डस्टबिन बिल्कुल करीब है, दूर नहीं है, ये सामने डस्टबिन है, ये देखें। तो पढ़े लिखे लोगों का शहर, और लोगों की मेंटालिटी देखें ज़रा, ये देखें, हर चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, गंद दुनिया जहान का। यार ऐसा गंद अपने बेडरूम में रखो ना आप, इस तरह का गंद जो आप इधर इस माहौल को ख़राब कर रहे हो, तो ले जाओ अपने बेडरूम में, वहाँ रखो जाके। जी जमाल भाई, तुसा नी बहुत सारिया यादा व बस्ता न जी इस पार्क के नाल के आने हो, ते काफ़ी दिहाड़े हो गए तुसा मी आखने पेसो जी के चक्कर लाओ जी F9 पार्क ना, ते तको जी फिर प्रासन फिरना है पिया इत्थै। ते अज ना व्लाग मैं तुसा की डेडिकेट करना है जी जमाल भाई।
मॉर्निंग वॉक का करते हैं जी इख्तिताम इस जगह पहुंच के। आज मैंने जो परिंदे देखे एक से बढ़कर एक खूबसूरत, और उनकी आवाज़ें भी मैंने रिकॉर्ड की, और बहुत ही इतना हसीन मंज़र था, लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जब आपके सर के ऊपर दाएं बाएं खूबसूरत बादल हों, घने बादल हों, हवाएं भी चल रही हों, परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें भी हों और फूलों की भीनी भीनी खुशबू भी साथ हो, तो आप सोचें कि उस वक़्त माहौल कैसा होगा। नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह आपको इस पार्क का कुछ और एरिया नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपसे चाहूंगा इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।